आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कह रहा हूं, संकटों को काटा जा सकता है क्या, मुसीबतों को खत्म किया जा सकता है क्या, और खास तौर से ये मुसीबतें रिश्ते पे हो तो, संबंधों में हो तो, प्यार में हो तो, और ये तकलीफ दिल वाले रिलेशन पर आ जाए तो। काश कुछ ऐसा होता कि प्यार में आ रही समस्याओं को हम काट पाते, काश ऐसा होता कि रिश्तों पर पड़ रहे ग्रहण को हम पूरी तरह से छोटे छोटे पीस करके काट पाते। क्रोध तो इतना ही आता है, गुस्सा तो इतनी ही लगती है जब दिल टूट जाता है, जब रिश्ता बिगड़ जाता है, जब प्यार मोहब्बत इश्क इन शब्दों से घृणा होने लगती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम ये सारे के सारे संकट मुसीबत ये प्रॉब्लम ये दिक्कतें हम काट पाए और कल से सब ठीक हो जाए। तो भाई सिर्फ 2 मिनट इस चाकू को यहां रख दें, उसके बाद ये संकट कभी नहीं आएंगे। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से मजबूत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी में या आपके प्यार में या आपके रिश्ते में रिलेशनशिप में आ रही समस्या का पूरा समाधान का नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में ईश्वरीय कृपा से आपके काम करने की संभावनाओं को 100% बढ़ा दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है और आपको प्यार करना सिखाया जाता है, प्यार में आ रही दिक्कतों से आपको जीतना सिखाया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ जो उपाय बताए जाते हैं ना, वो शास्त्रोक्त और वेदोक्त और प्रमाण के साथ होते हैं। हर बार लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। बात इतनी ही नहीं, शादी के बाद कोई बड़ा संकट ऐसा आ जाए जो आपके अपने रिश्ते को खत्म करता हुआ नजर आए तो बहुत क्रोध आता है। क्रोध की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, घृणा की वजह से, दिक्कत की वजह से, माइंड खराब होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या बहुत ज्यादा झगड़े की वजह से जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं उन्हें क्या काटा जा सकता है, इन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है? रिश्तों को जोड़ने के लिए भी कोई कटर है क्या? तार जोड़ने के लिए तो हम प्लास से कट करके जोड़ देते हैं। हाँ, दो चीजों को जोड़ने की व्यवस्थाएं तो मजबूती से मिल जाती हैं। बहुत कुछ जोड़ने का ऑप्शन है। क्या संकटों को काटने का भी ऑप्शन है? हाँ, ये चाकू 2 मिनट सिर्फ आपको यहां रखनी है। सिर्फ 2 मिनट ये चाकू यहां रख करके आप अपने वैवाहिक जीवन में आ रहे संकट को काट सकते हैं। 2 मिनट ये चाकू यहां रख करके आप अपनी शादीशुदा जीवन में आ रही समस्याओं को पूरी तरह से काट सकते हैं। 2 मिनट ये चाकू यहां रख करके आप अपने रिश्ते में आ रही संकटों को काट सकते हैं, झगड़े को काट सकते हैं, क्रोध को समाप्त कर सकते हैं, सामने वाले के मन मस्तिष्क में आपका प्यार खत्म हो रहा है उस अव्यवस्था को पूरी तरह से कतर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? सिर्फ कुछ मिनटों में, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ 2 मिनट ये चाकू यहां रख दीजिए, फिर देखिए चमत्कार आपके साथ वो चीजें होने लग जाएंगी। क्या जानना चाहते हैं आप ये सारी चीजें? हाँ, तो आपको पूरा विश्लेषण समझना होगा। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपको बहुत 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 थैंक यू। आज उनकी मम्मी ने मुझसे बात की, आपके आशीर्वाद से जल्दी ही वो भी मुझसे बात करेंगी। आपका आशीर्वाद यूँ ही मेरे ऊपर बना रहे गुरुजी। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत बहुत। आप मेरे लिए भगवान हो गुरुजी। मैं बिल्कुल टूट चुका था जब ही मैंने YouTube पे आपकी वीडियो देखी, मुझे बिलीव हुआ कि हाँ आप मुझे मेरे प्यार से मिला सकते हो। इस तरह मैं आपसे जुड़ा गुरुजी और मेरा 80% काम हो गया है, बचा हुआ 20% भी हो जाएगा। मुझे बिलीव है बस गुरुजी मेरी उससे शादी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ।
मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां भरे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आने पाए, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा आशीर्वाद देता हूं। जो भी कुछ तुम्हें बेनिफिट हो रहा है ना, उसके पीछे तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास है। हाँ ठीक है कि मैंने शक्तियां लगाई हैं तुम्हारे लिए, हाँ ठीक है मैंने अपनी साधना अपनी तपस्या का बल लगाया है, हाँ ठीक है मैंने आपके अपने ग्रहों को आपके पक्ष में करने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, हाँ ये सब सत्य है। लेकिन ये सब सत्य तब हुआ जब तुम्हारा विश्वास आया और तुमने आगे बढ़ करके इस व्यवस्था का सूत्रपात किया, उसके बाद नहीं तो शायद कुछ नहीं हो पाता। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। एक टूटे हुए रिश्ते को एक करने की जो समुचित संभावना है, 23 रामायण उड़ेल रहा हूं आज आपके सामने, एक आध रामायण की कौन बात करता है। तुमने सुना होगा वाल्मीकि रामायण, तुमने सुना होगा तुलसी रामायण, तुमने सुना होगा पालखान रामायण, तुमने अन्य रामायणों के बारे में सुना होगा। आज मैं कह रहा हूं कि सारी की सारी रामायणों का सार तुम्हें दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं राम और सीता के संबंध के विच्छेद की व्यवस्थाओं को फिर से संलग्न करके, फिर से पुनर्जीवित करने की जो बेसिक गाथा बाबा हनुमान ने गाई है या सुंदरकांड से प्रारंभ होती है, उसमें सिंहिका के वध के बाद ही ये संभावनाएं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि सिंहिका राहु और केतु की मां है। जिकि सीता राम दरस अस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। पीछे हमने एक उपाय बताया था राम विवाह से उठा करके, आपको बहुत लाभ मिला, तो आप सबको बहुत बेनिफिट हुआ। 1, 2, 4, 5, 10, 10-5 हजार लोग भी नहीं, कई लाख लोगों को बेनिफिट हुआ। इनके पटुका की कोर, उनके चुनरी की छोर, दोनों दोनों प्राण इनके प्राण में बसाऊ है सखी। सीता राम जू को गांठ में बंधाओ ये सखी। वो गांठ बांधने की परंपरा पर हमने कुछ काम कराया था, कोई उपाय बताया था और बहुत कारगर हुआ। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम गांठ बांधने की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि अगर दूरियां बढ़ गई हैं, अगर किसी भी वजह से दो अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच गए, चाहे वो डिस्टेंस वाइज दूरी हो, चाहे दिल वाइज दूरी हो, चाहे माइंड वाइज दूरी हो, चाहे विचारों की दूरियां हो, चाहे संभावनाओं की दूरियां हो, चाहे संवेदनाओं की दूरियां हो, दूरियां कोई भी हो, हर प्रकार की दूरियों को खत्म करने का साधन आज बता रहा हूं। क्या तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात नहीं करता? हा? क्या तुम्हारा प्यार तुम्हें देखने तक को राजी नहीं है? हाँ, क्या तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है? क्या तुम्हारे रिश्ते में सच में बहुत दिक्कतें आ गई हैं? क्या तुम्हारे रिश्ते को अब ठीक करना असंभव हो गया है? हाँ, क्या तुम्हारे रिश्ते में अब तुमको ही विश्वास नहीं है ठीक हो पाएगा? तुम हार मानने लगे हो क्या प्यार में? अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है, तो बस आज का दिन तुम्हारे लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। जान लीजिए पूरा उपाय। आपको करना इतना है कि कोई भी एक चाकू ले लेनी है। इस चाकू में सबसे पहले बहुत सावधानी से अपनी ही जीभ से थोड़ा स्लाइबा लेकर के अपनी रिंग फिंगर से चाकू के ऊपर उनका नाम लिख दीजिए जिनको आप अपने जीवन में बांधना चाहते हैं, जिनके जीवन में अपने और उनके जीवन के संकट काट देना चाहते हैं, जहां पर आप उनका नाम लिख दीजिए स्लाइबा से। दूसरी तरफ अपना खुद का भी नाम लिख दीजिए स्लाइबा से ही। अब ये किधर किसका लिखना है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना करने के बाद अपनी चारपाई के
पैर के साइड में पैताना बोलते हैं, जहां पैर आप करते हैं जिधर उधर गद्दे के नीचे रात्रि में दबा के रख दीजिए। ये काम मंगलवार के दिन करिएगा, अधिक लाभ होगा। करने को तो इससे आप अन्य अन्य दिन में भी कर सकते हो, गुरुवार के दिन भी करने में कोई बुराई नहीं। ये उपाय गुरुवार मंगलवार बहुत फायदेमंद है, उसे रात भर रखा रहने दीजिए। पहले ही 2 मिनट के बाद वो काम शुरू कर देगा, फिर सुबह उठ करके इसे किसी भी जमीन में कहीं दबवा दीजिए। छोटी चाकू, बड़ी चाकू, कोई भी आप आकार के ले सकते हैं। मात्र इतना करने से आपके अपने जीवन के संकट समाप्त होने लग जाएंगे। अब देखिए, ये एक टोटका है और एक विधा है। विधा और टोटके को संलग्न किया गया है। आप उसको अपने ऐसी जगह दबा रहे हैं, आप उस ग्रह को चरणानुरक्त बना रहे हैं, आप चरणानुरागी बना रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इनडायरेक्टली बना रहे हैं कि आपके जीवन में सुख आएगा ही आएगा। ये हठ योग के अंतर्गत की बात बता रहा हूं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उपाय करना। खूब खुश रहिए, खूब मुस्कुराइए, खूब सुंदर बनिए, खूब अच्छे से रहने का प्रयत्न करिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बच्चे हो, तुम वैसे ही रहना। तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ही तो सोता हूं। इसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए प्रयत्नशील हूं, तुम्हारे लिए तपस्याएं कर रहा हूं। तुम में से 20-22 लाख लोग तो इधर हो चुके, अब उधर जितने लोग हो उस पर काम चल रहा है। हूं मैं तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें जीवंत करने के लिए प्रयत्नशील हूं। मेरी मदद करो। कैसे मदद करोगे? रोना, बिलखना, निगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना बंद करके। प्रीवियस लाइफ कभी नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है। ये सब तो तुम मान रहे हो, पर ये वाली बात नहीं मानते। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, निगेटिव चिंतन करना, इस पर भी चिंतन करो। इसको भी मानो। जैसे तुम मानोगे वैसे तुम्हारे जीवन की सब चीजें ठीक हो जाएगी। भगवान जो तुम्हें प्रसन्न करें, तुम्हारे जीवन में प्यार भरे, भाई तुम जिसे चाहते हो तुम्हें मिल जाए। आशीर्वाद दे रहा हूं। कब फलीभूत होगा? जब तुम मेरी बातें मानोगे। गुरु का आदेश मानने वाले लोगों के जीवन में सुख बढ़ता है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें लव विद एस्ट्रोलॉजी के एक नए आयाम के साथ, जिसका नाम LWA है, लाइव है। देखने की आदत डालो। मैंने कहा है जैसे तुम्हारी आदतें बढ़ेंगी वैसे वैसे हम इसको और मजबूत करेंगे और अच्छी चीजें इसमें डालेंगे। तुम आदत तो बढ़ाओ, उधर दिखे तो हमें नंबर्स ऑफ यूटिलिटी ज्यादा लोगों की है, बस उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं। तब तक बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।